राधे राधे मित्रों, जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसको कैसे तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके उपाय लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। देखिए, जन्म कुंडली में राहु और केतु एक तरफा मौजूद है और बाकी सभी ग्रह उनके बीच में स्थित हो रहे हैं, तो काल सर्प दोष योग का निर्मित होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लगने की वजह से राहु केतु की वजह से ये योग बनता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह चारों ओर से ग्रहों को घेर कर बैठ जाते हैं, वैसे मानसिक अशांति उनके जीवन में बहुत ज्यादा होती है। रोग दोष, जादू टोना, हड्डियों के रोग, इन सभी चीजों से उनको झेलना पड़ता है, सभी से पीड़ित रहते हैं। इन लोगों को कभी भी सफलता पाने में बहुत ज्यादा देरी लग जाती है, ऊंचाइयों की सीढ़ियों में बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाते हैं। इसके लिए कुछ उपाय लेकर आया हूँ, वह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, काल सर्प दोष का सबसे सरल माध्यम है कि आप नियमित शिवलिंग की पूजा अवश्य रूप से करें। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग को कच्चा दूध और तिल अर्पित करें। शिव जी की आराधना से ही ये काल सर्प दोष पूर्णतः रूप से आपका दूर